डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एनपीओ का सेकंड चैप्टर सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। इसके अंदर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि पहला अकाउंट है फाइनल अकाउंट्स का, में उसे कंसेप्ट समझेंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है, यूजुअली ईयर के एंड में बनता है, मतलब पीरियडिकली बनता है, ये मेन है, और पर्टिकुलर डेट पे बनता है। क्या होता है ये? तो इसमें सारी रिसिप्ट्स डेबिट में आ जाती है और सारे पेमेंट्स क्रेडिट में आ जाते हैं। बस ये मेन कंसेप्ट याद रख लीजिए। सारी रिसिप्ट्स जितनी भी पैसा रिसीव हुआ है, चाहे वो कैश में रिसीव हुआ हो, चाहे बैंक के थ्रू रिसीव हुआ हो, सब डेबिट में आ जाएंगे, और जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक की समरी है, जो हमने 11th क्लास में एक सीखा था कैश बुक, ये उसी की समरी है। उसकी समरी है का मतलब क्या हुआ? तो कैश बुक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है, कैश बुक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे गए हैं, डेबिट में जो है वो सब रिसिप्ट थी, क्रेडिट में जितने भी पेमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और वो कैसे आएंगे? तो मान लो कि साल भर में कई बार हमको सेल से अमाउंट आया, तो यहाँ पे जितनी बार से कैश बुक में, तो जितनी बार पैसा मिला उतनी बार एंट्री करी होगी, जितनी बार पैसा मिला उतनी बार एंट्री करी होगी। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो समरी है, उसमें टोटल करके एक ही एंट्री कर देंगे सेल के अमाउंट। ऐसे ही जैसे मान लो कि हम एक सोसाइटी का अकाउंट बना रहे हैं, तो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हर साल सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी कि मेंबरशिप फीस देते हैं। तो सारे मेंबर्स एक साथ तो दे नहीं रहे पैसा, साल में न जाने कितनी बार थोड़े थोड़े करके पैसे आए होंगे। जितनी बार पैसे आए सब्सक्रिप्शन के, यानी मेंबरशिप फीस के, उतनी बार कैशबुक के डेबिट में रिसिप्ट की एंट्री हुई होगी। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल करके एक ही बार दिखा देंगे मेंबरशिप फीस यानी सब्सक्रिप्शन। ऐसे ही साल में हमने एम्प्लॉयज को जितनी बार सैलरी का पेमेंट किया उतनी बार पेमेंट कैश बुक में दिखाया, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो सारी सैलरीज का टोटल करके एक बार में दिखा देंगे। इस संग से हर एक हेड जो होती है, हर एक हेड का रिसिप्ट एंड पेमेंट का टोटल करके साल भर में जितने भी रिसिप्ट से वो डेबिट में, जितने पेमेंट से क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, फिर अगली बात पे आते हैं। शुरुआत, अगर साल के बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो वो सबसे पहले डेबिट में आ जाएगा, जितना भी बैलेंस दिया हुआ हो, बैलेंस बीडी के नाम से जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। और अगर हमें कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश एंड बैंक दोनों की समरी है, अगर दोनों के डिटेल दिया है कि कैश बैलेंस कितना है वो पहले अंदर दिखा देंगे, बैंक बैलेंस कितना है तो वो पहले हम अंदर दिखा देंगे जो भी अमाउंट रहेगा, और टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो भी रिसिप्ट होंगी वो लिख देंगे। ऐसे ही क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट्स है सारे पेमेंट लिखने के बाद में एंड में बैलेंस दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो हम बैलेंस कैलकुलेट करके लिख देंगे। फिर इस बैलेंस की अगर डिटेल दी हुई कि कैश बैलेंस कितना है तो अंदर लिख देंगे, बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ है तो वो हम अंदर लिख देंगे। जैसे मान लो बैलेंस ईयर एंड में दिया हुआ है, फिर बताया कि कैश बैलेंस कितना है तो वो हम दिखा देंगे अंदर। ऐसे ही बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो वो हम अंदर दिखा देंगे, और टोटल करके बाहर जो भी होता है वो बाहर लिख देंगे टोटल करके। इस तरीके से हम दोनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया, ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम, ये था लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के एक क्वेश्चन को लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। Thank you, students. Thank you.